प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 बड़ी वेश्या। जिन सात स्वर्गदूतों के पास में सात कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मात्रा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके सात सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे देखा। वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वेश्यों की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और उसके सात सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर सात पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे सात राजा भी है, पांच तो हो चुके और एक अभी बाकी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप आठवां है, और इन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है।